ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा का जवाब देने के लिए कांग्रेस समूचे राष्ट्र में संदेश यात्रा का आयोजन कर रही थी, लेकिन सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में भाजपा का अनुसरण करते हुए संदेश यात्रा की बजाय संकल्प यात्रा का आयोजन ही कर डाला। भाजपा द्वारा आयोजित संकल्प यात्रा का जवाब देने के लिए कांग्रेस समूचे राष्ट्र में संदेश यात्रा का आयोजन कर रही थी, लेकिन सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में भाजपा का अनुसरण करते हुए संदेश यात्रा की बजाय संकल्प यात्रा का आयोजन ही कर डाला। अब इसकी वजह क्या रही, क्यों जिला अध्यक्ष यात्रा के नाम को लेकर अनभिज्ञ थे, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सोलन में आज ये बात चर्चा का विषय जरूर थी। आपको बता दें कि ये रैली सोलन के विश्राम गृह से डीसी ऑफिस तक निकाली गई। इस मौके पर सोलन के जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक मंदी को लेकर जन जन तक संदेश देना था। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर अंडम्बर की राजनीति कर रही है, उसके बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के सपनों का भारत कुछ और था, लेकिन भाजपा ने उसे जातिवाद और हिंसा से बड़ा भारत बना दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी का नाम उपयोग में तो ला रही है, लेकिन उनके सिद्धांतों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इन्हीं विषयों को लेकर आज जनता को संदेश देने का प्रयास किया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया। गौरतलब है कि सोलन कांग्रेस के जो बैनर थे वो संदेश यात्रा के ही थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सोलन कांग्रेस अध्यक्ष के जहर में भाजपा ही संकल्प यात्रा की थी और ये संदेश यात्रा का नाम संकल्प यात्रा ही बताते नजर आए। आज पूर्ण राष्ट्र जो है महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी मना रहा है और इस अवसर पर जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी की स्मृतियों में गांधी जी के आदर्शों को लेकर एक संकल्प यात्रा का पूरे देश में आयोजन 1 तारीख से और 10 तारीख तक करने का एक आयोजन निश्चित किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार आज जो है वो जिला स्तर पर जो है इसका आयोजन किया गया है। संकल्प यात्रा महात्मा गांधी जी के सपनों को लेकर, उनके आदर्श भारत की जो सोच थी उसको लेकर और उनके जो सिद्धांत थे उनको लेकर आदर्श इस संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी की स्मृतियों में नमन करते हुए मैं आज ये कहना चाहूँगा कि उनके जो सपन का भारत था, उस भारत को आज क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, उनका जो सपन था, उनके जो सिद्धांत थे, उनको किस तरह से आज ताक पर रखा जा रहा है। आज उनके नाम पर, महात्मा गांधी जी के नाम पर, वो लोग जो महात्मा गांधी जी की हत्याओं में जिनका नाम रहा है, वो लोग आज उनको लेकर जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बात देश हित में नहीं है। महात्मा गांधी जी का जो सपनों का भारत था वो एक ऐसा भारत था जिसमें अहिंसा, हिंसा का कोई स्थान नहीं था, अहिंसा थी। एक ऐसा भारत की सोच थी जिसमें सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इकट्ठे होकर रहेंगे। उनकी जो सोच इस तरह की थी कि इस देश में हमारे हरिजन भाई भी साथ रहेंगे। उनकी जो सोच थी वो ये थी कि इस भारत में पूर्ण रूप से जो है शांति कायम रहेगी। मैं समझता हूँ आज उनके सपनों को जो है, उनकी जो इस यात्रा के द्वारा, संकल्प यात्रा के द्वारा उनको सपनों को, उनके आदर्शों को लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है और कांग्रेस उस दिशा में एक आगे की ओर बढ़ रही है। हम जो है, जो देश की आर्थिक स्थिति है, जो गिरती आर्थिक स्थिति है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, आज ऑटो सेंटर में, आज और इंडस्ट्रियों में, आज और जगह इस तरह का बदहाली का आलम है कि छटनी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कहाँ मोदी जी का एक कहना था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज छटनियों का युग चल रहा है और इस और किसी प्रकार का कोई कदम अभी तक सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। तो ये था आज दिन का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।